नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच भारत के हाथों से आखिरी ओवर में फिसला और श्रीलंका ने इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन ही बना सकी और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 40 रन कप्तान शिखर धवन ने बनाए। वहीं देवदत्त पड़िक्कल ने भी 29 रनों की पारी खेली और डेब्यू मैच खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 21 रनों का योगदान दिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना सका और भारत के मिडिल ऑर्डर में कमी नजर आई। और संजू सैमसंग ने 7 तो वहीं नीतीश राणा 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भुवनेश्वर कुमार ने 13 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट अखिला धनंजय ने लिए, वहीं हसरंगा और कप्तान सनाका को 1-1 विकेट मिला। जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, फर्नांडो आते ही जल्द आउट हो गए। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 40 रन डी सिल्वा ने बनाए और श्रीलंका को डी सिल्वा ने आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करके इस मैच में जीत दिलवाई। सीरीज में भी 1-1 की बराबरी की। आखिरी मुकाबला कल 29 जुलाई को खेला जाएगा और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने ली और वहीं बाकी सभी बॉलरों को 1-1 विकेट मिला, लेकिन भारत इस मैच को नहीं बचा सका और भारत को श्रीलंका के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय की बी टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।